गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड सुपर कंप्यूटर्स। सबसे पहले कंडक्टेंस की बात करते हैं। कंडक्टेंस पिछले लेक्चर में, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो रेजिस्टिविटी होता है रुकावट। अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, और उसका उल्ट जो होता है उसको कंडक्टिविटी कहते हैं। तो कंडक्टेंस क्या होगा, द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय लेटर जी एंड जी इज इक्वल टू 1/R। वो क्योंकि हम सभी जानते हैं कि R के द्वारा हम एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जानते हैं नंबर दो की रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हमने पिछले लेक्चर में किया था R होता है। तो R के द्वारा इसको हम डिनोट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट होता है ओम, ohm। तो कंडक्टेंस जो होगा, कंडक्टेंस का यूनिट होगा मो, mho। इसी का उल्टा है, बाय चांस ही इसका उल्टा है मो। इसको मो के द्वारा लिखते हैं, जहां इसको कई जगह आपको सीमन के द्वारा भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, सीमन के साथ एस। हाँ, सो कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। इट इज नोटेड बाय द लेटर कैपिटल जी एंड इट्स यूनिट इज मो। अब करते हैं बात कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी क्या चीज होती है। कंडक्टिविटी होता है द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। तो हमने रेजिस्टिविटी जो होती है उसको हमने लिखा था रो के साथ। तो कंडक्टिविटी जो होता है इसको हम लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल सिग्मा। ग्रीक लेटर है स्मॉल एस के द्वारा, और कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा के द्वारा, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ρ। वो इसलिए क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होती है उसको हम रो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सो कंडक्टिविटी दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। अब इसके यूनिट की बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि यूनिट ऑफ रो जो होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी किसके बराबर होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी होती है रो, और रो किसके बराबर होता है जी, हमने पिछले लेक्चर में अगर आपने अच्छे से आपने उसको फॉलो किया है तो आपको पता होगा, दैट इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। तो अब चूंकि जो कंडक्टिविटी है वो इसका इनवर्स है, तो सो कंडक्टिविटी का जो यूनिट है दैट इज सिग्मा, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/ρ। किसके ये होता है 1/ρ के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा एल डिवाइडेड बाय आर इंटू ए, ये हो जाएगा इसका जो हमारा यूनिट। अब यहां से हम निकाल सकते हैं, इसको हम कैसे निकालेंगे। अब L जो होती है वो L किस में नापी जाती है, L का ऐसा यूनिट है मीटर, और डिवाइडेड बाय R का यूनिट है ओम, और उसके बाद आगे क्या है, आगे है एरिया, एरिया होता है मीटर स्क्वेयर। ये मीटर स्क्वेयर के साथ कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1/ohm एंड 1/m। तो ये हो जाएगा ओ, जो 1/ohm हमने कहा था, 1/ohm अभी हमने निकाला, तो इसको हम लिखते हैं मो के साथ, और मो ये आ जाएगा mho मो एंड मीटर इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं, जा इसको हम सीमन इनवर्स भी लिख सकते हैं, सीमन मीटर इनवर्स। ये दो तरीके हैं, जिस तरीके से मर्जी आप इसका आप यूनिट लिखिए। सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी।
कि जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी के आधार पर इनकी क्लासिफिकेशन कितने तरह के मटेरियल्स हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर कंडक्टिविटी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी कैन क्लासिफाई द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर कंडक्टिविटी इनटू मेन थ्री टाइप्स। नंबर वन तो होते हैं इंसुलेटर की बात करेंगे हम पहले। इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं कि जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है और हम ये मान करके चलते हैं कि निल है। अब एग्जैक्टली जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इनकी निल बिल्कुल नहीं होती, होती थोड़ी थोड़ी कंडक्टिविटी कर देते हैं, लेकिन हम इतनी कम होती है इनकी कंडक्टिविटी कि हम इनको निल मान करके चलते हैं, इतनी स्मॉल है। सो इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी इज वेरी स्मॉल और वी कैन कंसिडर देम एज टू बी निल। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन से आते हैं इसके इंसुलेटर्स के, अब जैसे ग्लास हो गया, उसके बाद वुड हो गया, लकड़ी हो गई, उसके बाद रबर हो गया, ये एग्जाम्पल आते हैं किस किस के, ग्लास, वुड, रबर और माइका भी कह सकते हैं आप इसको, ऐसे सो ऑन, ये एग्जाम्पल हो सकते हैं इंसुलेटर्स के। उसके बाद दूसरे आते हैं इनके बाद कंडक्टर्स, जो हम अभी पढ़ रहे थे। कंडक्टर्स कौन से होते हैं? दीज आर दोज मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी इज वेरी हाई, ये इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, ये अपने के बीच में से हीट और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको खूब सारा क्रॉस होने देते हैं, जो कंडक्ट करते हैं उसको। एग्जाम्पल द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कंडक्टर इज सिल्वर, उसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम एंड सो ऑन। ये तो आगे हम आपके पास दो मेन टाइप्स, एक तो वो मटेरियल्स की जिनकी कंडक्टिविटी बिल्कुल कम होती है, निल होती है, और एक वो हो गए जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। अब एक ऐसे भी होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में लाई करती है, इनको हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं, सेमी कंडक्टर्स। अब सेमी कंडक्टर्स कौन से मटेरियल हैं? दीज आर दोज मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन द कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर एज वेल एज द कंडक्टर्स। ये वो मटेरियल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स और कंडक्टर के बीच में लाई करती है। एग्जाम्पल इनके हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। मैं जर्मेनियम का सिंबल ही लिख देता हूं, Si and Ge। ये बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ये जब इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो उनमें आपके इसी क्लास में नेक्स्ट हमारे पास एक चैप्टर है, उनमें हम अच्छे से सेमीकंडक्टर्स आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। अभी के लिए आपके लिए डेफिनेशन है कि ऐसे मटीरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में लाई करती है, दे आर कॉल्ड एज सेमी कंडक्टर्स। तो ये हो गई हमारे पास मटेरियल्स की बात। अब एक कंसेप्ट है आपके यहां कि व्हाट आर द सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स क्या होती हैं? तो सुपर कंडक्टर्स के लिए बच्चों ऐसा हुआ था, एक प्रोफेसर के ओन्स हुए हैं, एक हुए हैं प्रोफेसर के ओन्स, प्रोफेसर के ओन्स, उन्होंने सन 1911 में
ये बात महसूस की थी कि देयर आर सर्टन मेटल्स एंड एलॉयज हु आर विच एट वेरी लो टेम्परेचर रिड्यूस देयर रेसिस्टिविटी, कि ऐसे कुछ एलॉयज और ऐसे कुछ उन्होंने मेटल्स उन्होंने देखे कि जो बड़े लो टेम्परेचर पर आपने अपने रेजिस्टिविटी उनकी जीरो हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि लो टेम्परेचर पर वो मेटल्स या वो एलॉय जो होते हैं वो 100% कंडक्टर्स बन जाते हैं, और ऐसे मटेरियल्स जो होते हैं या ऐसे एलॉय या ऐसे मेटल्स एट वेरी लो टेम्परेचर दे आर कॉल्ड एज सुपर कंडक्टर्स। सुपर मतलब जबरदस्त कंडक्टर हैं वो, और ये प्रॉपर्टी जो होती है मतलब ये फेनोमेना जो है कि सम मेटल्स आर एलॉयज एट वेरी लो टेम्परेचर बिहेव लाइक सुपर कंडक्टर, दैट इज देयर रेजिस्टिविटी बिकम्स निग्लिजिबल आर नील, एंड दिस फेनोमेना ऑफ सम मेटल्स आर एलॉयज ऑफ बिहेविंग लाइक ए सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड एज सुपर कंडक्टिविटी। इसको हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, और वो मटीरियल जो होते हैं सुपर कंडक्टिविटी, और वो मटीरियल और वो एलॉयज जो कि ऐसा व्यवहार करते हैं ऐसा बिहेवियर शो करते हैं हमारे सामने उनको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। अब होता क्या है कि कुछ मटेरियल जो एलॉय जो हैं जब हम उनका टेम्परेचर जब हम रिड्यूस करते जाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है, रेजिस्टेंस घटता जाता है। एक टेम्परेचर ऐसा आ जाता है कि जिस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ये ऐसा टेम्परेचर होता है मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ कंडक्टर स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ सुपर कंडक्टर, मीन्स इट्स रेजिस्टिविटी बिकम्स जीरो। इस टेम्परेचर पर पहुंच करके वो मेटल या एलॉय जो है तो उसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है एंड इट बिहेव्स लाइक अ सुपर कंडक्टर। नाउ व्हाट इज द काज, अब हम काज इसका जो कारण खोजते हैं, व्हाट इज द काज। इसका कारण एक्चुअली ये है कि एट वेरी लो टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स लूज देयर इंडिपेंडेंस, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है और वो क्या करते हैं, वो एक क्लाउड्स ऑफ कोऑपरेटिव क्लाउड्स बनाते हैं एंड दे फॉर्म क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स do not interfere or they do not collide with the atoms or ions of the matter। वो जो क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, जो हमारी मैटर है जो हमारा एलॉय है उसके जो एटम जो आयन है उनके साथ वो क्या करेंगे, वो उसके साथ कोलाइड नहीं करेंगे। जब उसके साथ कोलाइड ही नहीं करेंगे तो इट मीन्स देयर वुड बी नो रेजिस्टेंस, और इसके लिए क्या होगा, जो उसकी कंडक्टिविटी होगी दैट विल बी 100% सुपर कंडक्टिविटी होगी एंड दैट्स वाई इट वुड बी कॉल्ड एज ए सुपर कंडक्टर्स। एप्लीकेशंस इसकी क्या होती हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द सुपर कंडक्टर्स, एप्लीकेशंस इनकी एप्लीकेशंस देखिए। नंबर वन इसकी एप्लीकेशंस होती है कि दे आर यूज्ड इन मेकिंग वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के काम आते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहां यूज होते हैं आपको मालूम होगा, पोर्ट्स पे यूज होते हैं बड़े बड़े बोझे उठाने के कारण। तो ऐसी कंडीशंस में ऐसे सर्कमस्टांसिस में जहां हमको वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए वहां हम यूज करते हैं सुपर कंडक्टर्स। नंबर दो ये यूज होते हैं इन द फैब्रिकेशन ऑफ वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स, जो हाई स्पीड कंप्यूटर जो होते हैं उनको यूज में उनको बनाने में वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स, हाई स्पीड कंप्यूटर्स को बनाने में सुपर कंडक्टर्स की यूज होता है। वो इसलिए कि वहां हमको बिल्कुल भी रेजिस्टिविटी नहीं चाहिए उसकी एफिशिएंसी अच्छी रखने के लिए। और नंबर तीन ये यूज होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ
इलेक्ट्रिक पावर। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर जब हमारी ट्रांसमिट होती है तो अब चूंकि जो हम मेटल्स जो हम लगाते हैं उनमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है काफ़ी सारी बिजली रास्ते में वेस्ट हो जाती है, वो होती है रेजिस्टेंस के कारण। तो जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं इनमें रेजिस्टिविटी जीरो होती है और सो इसमें क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर दैट इज बीइंग फेड टू दैट इज फेड टू अ कंडक्टर इट बी पास इट विल बी रिसीव्ड एट द अदर एंड। जितनी हम यहां से इलेक्ट्रिक पावर छोड़ेंगे उसके बीच में से क्रॉस होती हुई चूंकि रेजिस्टेंस तो होगा नहीं इससे पूरी की पूरी दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी। And so these are used for the transmission of electric power। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर अगर ऐसा है तो इनको हम तकरीबन जो मैक्सिमम इनका यूटिलाइजेशन हम क्यों नहीं करते हैं, हम इनको तकरीबन यही यूज करने चाहिए। लेकिन बच्चों बात यह है कि देर आर आल्सो सम लिमिटेशंस, इसकी लिमिटेशन भी हैं लिमिटेशन, और लिमिटेशन एक ही है लेकिन इतनी जबरदस्त लिमिटेशन है कि एक ही लिमिटेशन है लेकिन इतनी जबरदस्त लिमिटेशन है कि उसका हमारे पास कोई तोड़ नहीं है। और इसकी मेजर लिमिटेशन क्या है, क्या है कि सुपर कंडक्टर्स को बहुत लो टेम्परेचर चाहिए और हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि इतना लो टेम्परेचर हम मेंटेन करके रखें। सो द मेजर लिमिटेशन ऑफ द सुपर कंडक्टर इज दैट दे हैव टू बी केप्ट एट ए वेरी लो टेम्परेचर एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मेंटेन सच ए लो टेम्परेचर। क्योंकि आज की डेट में अगर आपको ये मेटल या एलॉय जो हमारे पास हैं उनको सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करवाना है तो उनकी अपर टेम्परेचर लिमिट जो है अपर टेम्परेचर लिमिट उसकी 90 के है, 90 केल्विन, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट और आई वुड से इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू मेंटेन सच ए लो टेम्परेचर। एंड सो इसलिए हम इतने ज्यादा इसको फ्रिक्वेंटली इसको यूज नहीं करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट द कंडक्टर कंडक्टेंस कंडक्टिविटी एंड सुपर कंडक्टर सुपर कंडक्टिविटी दियर कॉज एंड दियर लिमिटेशंस। एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। इवन देन इफ आपको फिर भी समझ ना आया हो कहीं बीच में कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सो दैट कि नेक्स्ट क्लास आपकी जब होती है तो उनमें हम उन डाउट्स को आपके उन कन्फ्यूजन्स को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। स्टे होम स्टे सेफ। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास।